वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आपको वेदर दिखा रही हूँ गाइस, लुक एट द वेदर। इतना प्यारा मौसम है आज, बहुत ठंडा मौसम है। इतनी गर्मी में जब ऐसा मौसम होता है तो बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है। देखिए कितनी हवा चल रही है, वाह इट्स ग्रेट। और यहाँ ये जो मेरी ये स्टफी भी इंजॉय कर रहा है ये वेदर। स्टफू लुक एट हियर, लुक एट द कैमरा। हेलो स्टफी, से हाय, से हाय स्टफू। लुक। ये जो प्लेस है ये मेरी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से मैं अराउंड सारा देख सकती हूँ। तो 7:30 के अराउंड हो चुके हैं और मेरा वर्कआउट मैं डन कर चुकी हूँ, प्राणायाम कर चुकी हूँ, मेडिटेशन कर चुकी हूँ। ब्लैक क्लाउड्स हो गए हैं तो बारिश आने के पूरे पूरे आसार हैं। और आज का दिन मेरा इतना बिजी है, इतने सारे काम हैं मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे जाके अपनी लिस्ट जो मैंने बना रखी है अपने काम की, तो आज वो सारे काम मैं करूँगी। अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो हो सकता है कि मेरे कुछ काम पेंडिंग हो जाएं जिनको फिर मैं कल करूँगी। बाय स्टफी, बाय। We feel everything, yeah, it's starting to begin. तो ये है मेरी आज की वर्क लिस्ट जिसमें फुल डे मेन्यू के अलावा कुछ इंडोर एंड आउटडोर वर्क्स मेंशन है। इंस्टेड ऑफ डायरी अब मैंने फोन पे लिस्टिंग करना स्टार्ट किया है। तो गाइस हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। स्टफी क्या कर रहा है, चलो अंदर, बारिश में क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ चलो जल्दी जल्दी, शरारतें नहीं करनी। तो ये है हमारा छोटा सा यहाँ पे किचन गार्डन। अभी हमने न्यू प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पे, भिंडी लगी है, मिर्चें लगी हैं, पालक थोड़ी सी लगाई है मम्मा ने। चलो 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 शाबाश स्टफू, मार पड़ेगी फिर। ओ देखो कौन आया स्टफू, कौन आया। हेलो चलो चलो, ये भागेगा पीछे पीछे। हेलो गुड मॉर्निंग स्टफी। ये देखो इसके हाल, बहुत प्यार आता है तेरे को, है ना, बहुत शरीफ बच्चा है तू, दुनिया भर का बदमाश। मम्मा पापा का ब्रेकफास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जी रोटी ही होता है, तो उनके लिए चपातियां बना रही हूँ विद लस्सी, और कद्दू की सब्जी मैंने अर्ली मॉर्निंग ही बना ली थी। स्टफी का खाना मैंने रेडी करके रखा हुआ है, लेकिन उसके बर्तन में तभी डालूंगी जब वो खाने के लिए आएगा, क्योंकि वो अभी आ नहीं रहा है खाने के लिए। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि स्टफी इस टाइम कहाँ पे है। सो यू कैन सी हियर, ये बेड के नीचे का पोर्शन है जहाँ ये मिस्टर सोते हैं। तो सुबह 9 बजे सोते हैं और शाम को 4 बजे तक यहीं पर होते हैं, और आज खाना भी नहीं खा रहा। Now it's time to make breakfast for me and Jasmine. तो यहाँ मैंने कट कर ली है कुछ कैप्सिकम, टमाटोज, कोरिएंडर लीव एंड ग्रीन चिलीज, क्योंकि मैं बना रही हूँ वेजिटेबल एग ऑमलेट। इंस्टा पे मैंने इसकी एक पिक शेयर की थी तो मुझे कहा गया था कि इसकी रेसिपी भी शेयर करें, जो कि बहुत ईजी है। तो जैस्मिन सुबह अर्ली उठ के स्टडी करती है और 2 आवर्स पढ़ने के बाद वो बिफोर ब्रेकफास्ट 1 आवर का एक नैप लेती है। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री। ये ऑमलेट बनाने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस एग्स लेने हैं और उसमें डाल देनी है कटी हुई सारी वेजिटेबल्स। सॉल्ट ऐड किया है मैंने, साथ में ऐड किया है ब्लैक पेपर, और तवे के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और उसमें डाल देंगे ये सारा मिक्सचर। अब वेजिटेबल्स को अच्छे से स्प्रेड कर दें और बस इसे कवर कर दें। 30-40 सेकंड में ये बन के रेडी हो जाएगा। इसको आपको टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही कुक हो जाता है। तो बस इसे प्लेट में डालें, और साथ ही में ले रही हूँ कद्दू की सब्जी। मैं ब्रेकफास्ट में कभी रोटी नहीं खाती हूँ, और आपको भी हमेशा यही एडवाइस करती रहती हूँ। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, लेकिन जो चीज़ आपको खुशी देती हो, जैसे आप खाना चाहें वैसे खाएँ, बट ईट लेस एंड ईट स्लोली।
मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है और जैस्मिन का नैप ख़त्म हो गया. गुड मॉर्निंग जैस्मिन, अगेन गुड मॉर्निंग, आओ ब्रेकफास्ट करो. जैस्मिन इज हैविंग सेम ब्रेकफास्ट. एंजॉय. या इट्स हॉट बट शी इज़ नॉट हैविंग कद्दू की सब्जी विच इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी न्यूट्रिशियस. थोड़ी सी टेस्ट करें दो. एंड नाउ इट्स क्लीनिंग टाइम. आप सबका बार बार कहना कि मेरा दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर मैं मेड रख लूँ, तो अगेन मैंने एक मेड को हायर किया है बट ओनली फॉर फ्लोर क्लीनिंग. बाकी का काम मैं खुद करूँगी नहीं तो बीमार हो जाऊँगी. इंपॉर्टेंट डस्टिंग के साथ आज डे है बेटे का रूम और वॉशरूम क्लीन करने का. वीकली क्लीनिंग का पार्ट आज मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ आउटडोर काम भी करने हैं. I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are. Where are you ready? Yes. Are you ready? Yes. And I am also ready. Where we are, we can run. लंच में मैंने आज रेडी किया है चना दाल विद लौकी एंड रायता. और लंच करने के बाद हम जाएंगे CST कैंटीन फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग और उसके साथ साथ उस एरिया के जितने भी काम होंगे वो मैं करते हुए आऊँगी. बता रहे हो आप 70 लीटर का है, हैं? 17 लीटर पानी आ जाएगा इसमें? आ जाएगा. पॉट का पानी पीने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक बार गूगल कीजिएगा. मैं तो फ्रिज का पानी वैसे भी नहीं पीती हूँ इसीलिए इस बार समर्स के लिए क्ले पॉट बाय किया है. पानी को नेचुरली ठंडा करने के साथ साथ अगर ये अमेजिंग बेनिफिट्स भी दे तो क्यों नहीं वापस उन्हीं चीज़ों पर आएँ. ग्रॉसरी प्लानिंग शॉपिंग इन हॉल की एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है देन यू कैन चेक इट. गाइस ये हैं हमारी ट्रॉलीज और ये हैं हम एंड वी आर वेटिंग फॉर मिस्टर कुलदीप सिंह जो अभी तक अपने ऑफिस में बैठे हैं और हम यहाँ पे धूप में चढ़ रहे हैं. आज सुबह के टाइम पे वेदर इतना अच्छा था, लगा कि बारिश होगी, पता नहीं मेरे सारे काम हो भी पाएंगे कि नहीं. लेकिन यू कैन सी इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है यहाँ पे. सामान रख दिया है अपने गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं ऑटो में. आप हम करेंगे आज ऑटो की सेटिंग. खोलो. नहीं खोल रहा. खोलो खोलो खोलो. चल रही गर्मी है
जल्दी खोलो। ये बाबू, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 बस। अरे कहाँ चिपक रहा है तू? हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं है मेरे पास। स्टफू के भांजी हूँ आज, स्टफू खाएगा। ओ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। जब तक घर आके फ्रेश ना हो जाओ तब तक रिलैक्स फील नहीं करते हैं हम। तो अब बॉडी मेरी रिलैक्स फील कर रही है। नैप तो खैर आज नहीं ले पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं था इतना, तो आज रात को जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि सुबह फिर से जल्दी उठना है। हमारी जॉब जो होती है वो एंडलेस होती है, तो चलिए अब फटाफट चल के नीचे चाय की चुस्कियां लेते हैं और उसके बाद अगले काम शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ चाय और उदय खेल रहा है स्टफी के साथ, और इसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो वो घर के अंदर टिक के नहीं बैठेगा और बहुत धमाल मचाता है, क्योंकि वो एक एनर्जेटिक डॉग है तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी एनर्जी को डिप्लीट किया जाए। चाय पीने के बाद जाऊंगी मैं लोकल मार्केट, क्योंकि मेरे कुछ आउटडोर वर्क्स अभी बाकी हैं। कोशिश यही होती है कि जो भी लिस्ट में लिखा है कंप्लीट कर लूं, क्योंकि जो भी पेंडिंग होगा वो फिर नेक्स्ट डे की लिस्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा। एंड दे आर स्टिल प्लेइंग, दोनों ही अपनी कैलोरीज बर्न करने में लगे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बेचारे की कंडीशन तो इतना इतना कम से कम इतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए आपके पास जो भी पेट है। मेरे स्लिप पैड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, सो कुछ पेन्स एंड स्लिप पैड्स लेने आई हूँ स्टेशनरी शॉप में। यहाँ पे ये एक और डॉग है जो हमारे घर के बाहर ही बैठा रहता है, बहुत प्यारा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रूनी, और हमने इसका नाम रखा है ब्रूनो। ये बहुत ही क्वाइट है, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। ब्रूनी ब्रूनो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ?
यहीं पे बैठा रहेगा क्योंकि इसको मॉर्निंग में भी खाना डाल देते हैं और इवनिंग में भी इसको खाना डालते हैं, पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा पानी उनको भी दे। ब्रूनो है स्टेफू, ब्रूनी ब्रूनी कैसे भागा है। चलो बेटू एक साइड पे स्टफी का खाना बन रहा है और दूसरी तरफ मैं डिनर रेडी कर रही हूँ और जब तक जैस्मिन की एक्सरसाइज खत्म होगी तब तक मेरा डिनर भी रेडी हो जाएगा। स्टफी को खाना खिलाया कि विद इन 10 मिनट्स उसे बाहर जाना होता है और आप देख सकते हैं कि स्टफी के साथ साथ ब्रूनो को भी वॉक पे चलना है, लेकिन दोनों को साथ में लेके चलना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि दोनों को वॉक कम और शरारतें ज़्यादा करनी हैं। ब्यूटीफुल बनने की तैयारी हो रही है जैस्मिन की। बट यू हैव अप्लाइड दिस इज बेसन ऑन माई फेस एंड माई स्किन रूटीन एंड मेरा असली चेहरा निखारने के लिए। ओह रियली? इसमें घी भी डाला है और पता नहीं चश्मिश ने बनाया है। ये इसकी ग्रैंड माँ का नुस्खा है फेस को क्लीन करने का, है ना? चलो ना। कई बार शेड्यूल बहुत बिजी होता है तो आयरनिंग के लिए क्लोथ्स बाहर दे देती हूँ ताकि मेरा वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए और अब इनको इनकी प्लेस पे सेट कर दूंगी। अब है टाइम सिस्टर के साथ गपशप का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक फ़ोन कॉल मैं डेली करती हूँ, कल बात की थी मम्मा के साथ तो आज सिस्टर को कॉल किया है। हेलो एवरीवन, तो ये था मेरा आज का पूरा दिन और पीछे बैठी है जैस्मिन। वाओ, व्हाट आर रेमिंग। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन और पीछे बैठी है जैस्मिन। ओके, जोक्स अपार्ट, तो ऐसी ही रूटीन होती है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं कमेंट सेक्शन में, जो वो कमेंट करते हैं बार बार। मुझे ये रिक्वेस्ट भी आती है कि मैम प्लीज़ आप रोज़ व्लॉग डालें, डेली व्लॉग डालें। तो अगर देखा जाए तो यही रूटीन होती है मेरी। जब भी कोई काम बाहर के होते हैं तो इस तरह से मैं बाहर के काम करके आती हूँ, तो घर के कुछ काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो जो आज मेरा बैंक का काम था वो मेरा रह गया, लेकिन वो मेरी पेंडिंग लिस्ट में जाएगा और प्रायोरिटी पे जाएगा, कल मैं इसे श्योर ले करूँगी। डेली में घर के जो रेगुलर काम होते हैं लाइक क्लीनिंग है, कुकिंग है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थोड़ा मेंटेन करके रखना है घर को, और फैमिली है, बस सैटरडे संडे हम फन करते हैं। थोड़ा थोड़ा रूटीन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, बाकी 5 डेज यही रूटीन चलती है। अगर बाहर का कोई काम है तो बाहर का काम करती हूँ और बाकी दिन घर के काम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग डेली होता है कि मैं डेली आपके साथ शेयर कर पाऊँ,
मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं कर पाऊँ और आपको इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन मुझे लगता है कि डेली यही सब चीज़ें दिखाना, क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री और यही सब चीज़ें देख देख के आप 2-4 दिन में ही बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इंटरेस्ट बना रहे, आपको जो वीडियोज़ अच्छी लगती हैं मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा सुनती हूँ ध्यान से, जो जो आप मुझे बोलते हैं कि इस चीज़ पर वीडियो बनाएं, उस चीज़ पर वीडियो बनाएं, मैं पूरा ट्राई करती हूँ गाइस। कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी की रिक्वेस्ट को भी निगलेक्ट करना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट मैं सब तरह की वीडियोस जिनका जिन चीज़ों का मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैं ये बात करूँगी, ये बात मैं नहीं करूँगी। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा अगर फिर भी आपको कभी लगेगा कि मुझे डेली व्लॉग्स डालने चाहिए और आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको लगता है कि आप बोर नहीं होंगे, देन आई विल थिंक अबाउट इट। बाकी मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए मेरे डेली अपडेट्स के लिए। जो लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं, अगर मैं किसी भी उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकूं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। खाना सबने, बुजुर्गों ने और बच्चों ने खाना खा लिया है, स्टफ़ी भी खाना खा चुका था और अब रह गए हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।